मध्य प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन छतरपुर जिले के हरपालपुर के राजा हरपाल सिंह शासकीय महाविद्यालय में बीएससी मैथ्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राएं परेशान नजर आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय में जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उन कक्षाओं में सत्र 2018-19 में स्नातक प्रथम बीएससी मैथ्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस में 25 से कम छात्र होने से सत्र 2019-20 में इन कक्षाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर की कक्षाओं में 10 से कम छात्र छात्राओं के होने से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी नए छात्र छात्राओं को एडमिशन लेने में काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि विगत वर्ष हमारे यहाँ छात्र संख्या कम होने के कारण साइट बंद कर दी गई, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में साइट बंद कर दी, क्योंकि शासन के नियम में 25 लड़कों से कम जहाँ छात्र संख्या थी वहाँ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई। हमने शासन से अनुरोध किया है कि इस बार जो है एडमिशन अधिक कराएंगे, कंप्यूटर साइंस और गणित में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी जाए, इसमें हमें आश्वासन मिलता। बीएससी है और बीए है, 5 विषयों से एमए है, संस्कृत, लिटरेचर हिंदी, लिटरेचर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। सर अन्य जो लोगों में कक्षाएं बंद हुई हैं, इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई शासन का एक नियम है कि भले ही जनभागीदारी की क्लास में संचालित हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 10 एडमिशन से कम होते हैं पीजी में जी, तो वो कक्षाएं खत्म करने